ये हैं जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी। आप में से बहुत लोग इनको नहीं जानते होंगे, मगर इनके नाम पर पोलैंड पे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, और इवन इनको पोलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है, और इनको इवन पोलैंड के अंदर द गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कैसे एक इंडियन महाराजा को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है पोलैंड के अंदर। बात है 1931 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब हिटलर की फोर्सेस और सोवियत फोर्सेस ने मिलकर पोलैंड पे हमला किया और लाखों पोलिश लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए और पूरे विश्व में रेफ्यूजी बन गए, और करीबन 1000 पोलिश अनाथ बच्चे जामनगर आए और वहाँ पर उन्होंने शरणागति ली। लेकिन जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने बच्चों से कहा, नाउ यू आर नो लॉन्गर एन ऑर्फन, आई एम योर फादर, और इन सब बच्चों को अपने राज्य की नागरिकता दी। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड बापू। महाराजा ने इन सभी बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए एक अलग से रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई और उसका नाम रख दिया बाड़ा चली, और इन सब पोलिश बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए इन्हें अच्छे से भरपूर खाना दिया, पौष्टिक आहार दिया, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए फुटबॉल जैसे गेम्स दिए, और इनकी शिक्षा के लिए पोलैंड से पोलिश टीचर्स मंगाए ताकि इनकी पोलिश में स्टडी आगे होती रही। महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने इन सभी बच्चों की बिना किसी स्वार्थ की मदद की, और इसका रिजल्ट हमें आज भी मिल रहा है। पोलैंड ने हमारे देश के नागरिकों को जो कि पोलैंड में फंसे हुए थे रशिया यूक्रेन वॉर में, उनकी भरपूर मदद की है। धन्यवाद।